उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक अज्ञात युवक के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए बैंक से लोन ले लिया गया। लोन लेते समय किसी दूसरे व्यक्ति के खाते का प्रयोग किया गया और यह खाता एक महिला डॉक्टर का है। आलम यह है कि महिला डॉक्टर के खाते से पैसे कट रहे हैं, अब तक 45,000 रुपए कट चुके हैं। साथ ही महिला डॉक्टर बैंक के चक्कर काटने को मजबूर है। थक हार कर महिला डॉक्टर ने पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक डॉक्टर बैंक में अज्ञात युवक द्वारा बनवाए गए केसीसी से परेशान है और लगातार वह परेशान होकर बैंक अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन बैंक के अधिकारी उसकी सुनने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति ने साजिश करके उनके खाते से केसीसी बनवाकर उसे चपत लगाई है और अब तक 45,000 रुपए उनके खाते से कट चुके हैं। ऐसे में परेशान होकर डॉक्टर युवती ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। शिकायत में उसने बताया है कि उसने कभी केसीसी नहीं बनवाया, लेकिन किसी व्यक्ति ने साजिश करके उनके खाते से केसीसी बनवाकर उसे चपत लगाई है और अब तक 45,000 रुपए उनके बैंक से काटे जा चुके हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कर कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि शहर कोतवाली इलाके के रद्देपुरवा निवासी डॉक्टर प्रियंका सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई। डॉक्टर प्रियंका सिंह का कहना है कि शहर के सिनेमा चौराहे पर HDFC बैंक शाखा है, उसमें उनका खाता है। उन्होंने डेबिट कार्ड ले रखा है, लेकिन कभी केसीसी के लिए ना तो उन्होंने आवेदन किया और ना ही उन्होंने केसीसी बनवाई, लेकिन काफी समय पहले किसी ने केसीसी बनवाकर उनके अकाउंट से किसी वस्तु की खरीदारी कर ली जिसका पैसा प्रति माह कट रहा है। प्रियंका का कहना है कि अभी तक मैसेज नहीं आया जिससे उसे पता नहीं चला, लेकिन अब जब उसके पास मैसेज आने शुरू हुए तब उसको इस बात की जानकारी हुई। इसके बाद वह बैंक अधिकारियों से मिली, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और क्या हुआ है? मैं यही हरदोई से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंह है। मेरे साथ ये हुआ है, HDFC बैंक का मेरा अकाउंट है और पिछले अक्टूबर को मैंने एक क्रेडिट कार्ड बन गया। क्रेडिट कार्ड बनने के बाद में इशू हो गया, मुझे पता ही नहीं चला और उससे किसी ने 45,000 का कुछ खरीद भी लिया है। जो EMI मेरी पिछले अक्टूबर से कट रही है, हर 2,500 कटती है। पहले मुझे मैसेज नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा 2,500 रुपये जा रहा है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब मुझे पता चला, तब लॉकडाउन था तो बैंक वगैरह खुली थी, पर तब एक महीने के लॉकडाउन में कुछ भी नहीं खुला था। तो मैंने ऑनलाइन कंप्लेन किया तो उन्होंने मेरा ATM ब्लॉक किया। उसके बाद में मैं बैंक के चक्कर लगा रही हूँ, वो बोल रहे हैं यहाँ का मेरा हरदोई का बैंक का मेरा मैंने डेबिट कार्ड बनवाया था, वो कह रहे हैं पर आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, ये यहाँ का केस नहीं है। पिछले 2 महीने से मैं यही कर रही हूँ और अभी भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इवन मेरा जो अकाउंट है वो तक बंद नहीं किया है। अब बोल रहे हैं कि तुम्हें आपको तो मैडम पे करना पड़ेगा सारा। टोटल कितना रुपया? 45,000 है, पर वो माइनस जा रहा है मेरे अकाउंट में, इस वजह से और चार्जेस लग रहे हैं। और मेरे भाई का जॉइंट अकाउंट है, उससे 5,000 रुपए करके पिछले 3-4 महीने से उससे भी पैसे कट रहे हैं। टोटल अब तक तो कितना जो? कुछ नहीं तो 50,000 तो मेरा 50-60,000 कट चुका है। और अभी बैंक वाले कितना पैसा बता रहे हैं अभी आपको देना है? वो मैंने पूछ रहा है, वो भी नहीं बता रहे हैं। मैंने पूछा, टोटल एक बार पूछा था कितना है, और उनको मेरा अकाउंट जो क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर मैंने पूछा कि किस क्रेडिट कार्ड से मैंने लिया, आप नंबर तो बताइए, मेरा ही क्रेडिट कार्ड है। कह रहे नंबर मैडम पता ही नहीं है। क्या नंबर पता नहीं है तो फिर EMI कैसे बनेगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियंका सिंह, कुमारी प्रियंका सिंह है, ये रहने वाली कोतवाली शहर के। इन्होंने SP महोदय के समक्ष एक एप्लीकेशन दी है कि इनके खाते से क्रेडिट कार्ड के रूप में 2500 रुपये पर मंथ काटे जा रहे हैं और जो अब तक लगभग 45,000 कट चुके हैं। इनका कहना है कि बार बार मैनेजर के पास गई और इन्होंने कोई हल नहीं किया है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर KSI को जाँच दी गई है। SP महोदय द्वारा जैसी भी जाँच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.